करती है ये हमारी मांग। धक्का नहीं, डंडे से मारा गया है, पीठ पे मारा गया है, पीठ पे मारा गया है। हमारी स्थिति खराब, बिहार की महिलाएं पीटी हैं। नीतीश कुमार, आपकी माँ बहनों को कोई पीटेगा तो कैसा लगेगा? बता मुझे, सुन रहे हैं तो बता मुझे। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बोल रही हूँ। एक पुरुष की लाठी लगी है, देखिए पुरुष की लाठी लगी है, पुरुष की लाठी। माफ नहीं करेंगे ये बिहार की जनता। जल रहा है पूरा मेरा। बहुत मारा है हमारे दाएं हाथ में, बहुत डंडे से मारा है, बाहर दाएं हाथ में मारा है, डंडे से मारा और किसी डंडे से मारा। किस तरह से धक्का दिया जा रहा है? क्यों इतना अत्याचार? मरो तो मार के तो समझ नहीं रही। पूछ रहे थे मिल रहा है कि नहीं, फिर से यहाँ पर संकीर्ण जगह हो गया। आप लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। पुलिस ने जनता पर भी लाठी चलाया, बीजेपी वर्कर पर भी चलाया, पत्रकार पर भी चलाया, कई एमपी एमएलए पर भी चलाया। तो ये लोकतंत्र को लाठी गोली के बदौलत नहीं रोका जा सकता है। तो पहले ही कहा ये दमनकारी सरकार है, लेकिन यही दमन इनको ले डूबेगा। नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं, नीतीश कुमार लोकतंत्र को भूल गए हैं, लेकिन याद रख लें यही दमन उनके लिए काल होगा और उनको ले डूबेगा।